खबर इसी मेरठ से, जहां पर एक छात्रा को गोली मार दी गई है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के गेट पर मारी गई है गोली। इस वक्त की यह खबर जो कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके मेरठ से आ रही है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के गेट पर एक छात्रा की गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया गया है। आपसी कहासुनी के बाद में छात्रों ने फायरिंग कर दी, गोली चला दी उस छात्रा के ऊपर। गोलीबारी से हड़कंप मचा हुआ है। घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। फायरिंग के बाद में हमलावर इस वक्त फरार है। तो वही मेरठ जहां पर कल संजीव बालियान यह कह रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को आप 10% आरक्षण दे दीजिए, सब कुछ ठीक ठाक कर देंगे, उसी मेरठ में चौधरी चरण सिंह मेरठ यूनिवर्सिटी के अंदर एक छात्रा को उसी यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने गोली मार दी। जिंदगी और मौत के बीच में छात्रा इस वक्त अस्पताल में झूल रही है। केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बालियान, जिन्होंने कल ये बयान दिया और जिस यूनिवर्सिटी का हवाला दिया, आज वहां पर यह एक ऐसा क्राइम जिसे लेकर के अंदाजा लगता है कि किस तरीके से वहां पर छात्र उग्र हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के कहा सुनी में मनोवर चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ फुलान के जरिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। मनोवर, क्या है पूरा मामला? सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि इस वक्त छात्रा की स्थिति कैसी है। जिन लोगों ने गोली मारी, क्या है वो उसी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के छात्र हैं? देखिए, अभी तक तो यही प्रथम दृष्टि बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने हमला किया है, गोली मारी है, वो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के छात्र है। फिलहाल जो पुलिस है उसने वहां की सीसीटीवी फुटेज को अपनी कब्जे में लिया है, जिसके माध्यम से साफ हो जाएगा। वैसे में सवाल मनोवर ये है कि क्या छात्र यूनिवर्सिटी के अंदर हथियार लेकर जाते हैं? देखिए, ये आम बात है, पहले भी इस तरह की घटना यहाँ पर हो चुकी है। छात्र इसने पहले भी ऐसा किया था, जिसको पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। इससे पहले भी यहाँ हत्या ऐसा हो चुकी है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का नाम की छुपा नहीं है, तपोवन ग्राउंड अंदर पड़ता है, जिसमें गोली मारकर हत्या की गई थी। सागरपुर के छात्र की मनोवर, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में अब सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं? क्या वहां पर जहां से एंट्री गेट है, मेटल डिटेक्टर, इस तरह की कोई चीज वहां पर नहीं लगी हुई है? कोई चेकिंग नहीं होती है कि कोई छात्र हथियार लेकर जाए? चरण सिंह यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, उसके सुरक्षा के इंतजाम का मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। केवल मुख्य द्वार है, वहां पर कुछ होमगार्ड बिठाया जाता है, जिनको कोई भी आते जाने वाला व्यक्ति छात्र हटा देता है और उसको हटाकर अंदर आराम से एंट्री देता है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उस छात्र की। मनोवर, क्या नाम है, किस फैकल्टी का स्टूडेंट था, कौन लोग थे जिनसे विवाद इसका हुआ, इस छात्र का जिसको गोली मारी गई? देखिए, इसका नाम पहले बताया मैंने, चिकाना, छोटी सी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और उसके बाद गोलियां चलने लगी। यहाँ हड़कंप मच गया। चलिए, शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। मनोवर, आगे भी रुख करेंगे।